ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। विश्व में जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके साथ थे और कई सारी फोटो जो है वो सामने आ रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल आपसे बातचीत कर रहे हैं। वो आपसे बातचीत की क्या मुस्कुराहट भी थी चेहरे पर। मेरे पास बैठे हैं, जेल से आए हैं तो 6-8 महीने बाद तो जरा ताजा हवा में सांस ले रहे हैं। मंत्री की पद की शपथ जो है वो ले लिया, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि ये तो सिर्फ एक रसम अदायगी है। सरकार तो रिमोट से चलेगी, डमी सेटअप है। लोगों को एक चुनी हुई सरकार जिसकी अपेक्षा होती है जो अपने विवेक से फैसले ले, ऐसा नहीं है। और पिछले 8 महीने का हिसाब चाहिए। जो जेल से सरकार चलाने की बात की थी तो दिल्ली में सरकार नहीं चली, 50 लोग मर गए उन पानी के भरने से, उस बारिश से, थोड़ी सी बारिश से। उसका जवाब भी केजरीवाल जी को ही देना है। हमारे सवाल आज भी केजरीवाल जी के सामने है और दिल्ली के अंदर जो कुशासन है उसकी जिम्मेदारी भी केजरीवाल की है। रिमोट की आपने बात करी, कौन सा रिमोट? कैसे रिमोट? तो देख, टीवी जैसे आज तक चलता है ना रिमोट से, और रिमोट से बंद होता है, तो टीवी का अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है रिमोट में है। तो रिमोट है केजरीवाल के हाथ में। जो सरकार के मुखिया, पार्टी के मुखिया खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो एक साफ शासन देने की स्थिति में कैसे हो सकते हैं? लगता है कि आतिशी अगले जो 4-5 महीने का वक्त है उसमें कामकाज कर पाएंगे? मुझे तो लगता है कि जो भी एजेंडा सेट करेंगे ये लोग, वो सिर्फ एक रसम अदायगी होगी, क्योंकि एक तरह से केजरीवाल जी का जो रेजिग्नेशन है वो एक तरह का एक्सेप्टेंस है करप्शन का, और ये मजबूरी में दिया हुआ रेजिग्नेशन है। ये कोई उसको आप पोस्चरिंग कुछ भी करें, लेकिन आप देखिए ये बात तो सही सिद्ध हो गई कि जेल से सरकारें नहीं चलती हैं, और जो भ्रष्टाचार करेगा और भ्रष्टाचार में फंसेगा तो उसको तो सत्ता छोड़नी ही पड़ेगी। और केजरीवाल जी ने 6 महीने कोशिश की कि मैं सत्ता से कुर्सी से चिपका रहूं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सत्ता से अलग होना पड़ा, क्योंकि सरकार कभी ना जेल से चल सकती है और ना ही किसी मुजरिम के हाथों चलाई जा सकती। आखिरी सवाल, आज कई सारे विश्व में जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके साथ थे और कई सारी फोटो जो है वो सामने आ रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल आपसे बातचीत कर रहे हैं। वो आपसे बातचीत की क्या मुस्कुराहट भी थी चेहरे पर? मेरे पास बैठे हैं, जेल से आए हैं तो 6-8 महीने बाद तो जरा ताजा हवा में सांस ले रहे हैं, तो बस यही है। पहले जेल पे थे, अब बेल पे हैं। चर्चा भी काफी ज्यादा चल रही थी, हंसी मजाक भी चल रहा था, कुछ मजाकिया भी था, कुछ क्या कुछ खास? देखिए कार्यक्रम है, साथ बैठे हैं, कुछ कह रहे हैं मुझसे तो मुझे सुनना है और जितना संभव हो कम से कम जवाब देना है। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी हैं। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी, इनका साफ तौर पर कहना था कई सारे लीकों की चर्चाएं जो है वो हुई, लेकिन सीधे तौर पर आतिशी से कई सारे उम्मीद के साथ जो है वो नई सरकार जो है वो आई है। देखते हैं कि कितना काम काज जो है वो होगा, लेकिन एक डमी के तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगी आतिशी। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ।